पोर्न फिल्म बनाने के आरोप में उनके पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब शिल्पा और उनकी मां सुनंदा शेट्टी पर करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप लगाए गए हैं। खबरों के मुताबिक इस मामले में शिल्पा और उनकी मां पर विभूति खंड थाने में ओमेक्स हाइट्स निवासी ज्योत्सना चौहान और हजरतगंज थाने में रोहित वीर सिंह ने ठगी के नाम पर केस दर्ज कराया था। दरअसल ओयोसी स्लिमिंग स्किन स्कूल व इस्पा नाम से शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी ने कंपनी खोली थी, जिसमें एक ब्रांच राजधानी में खुलवाने के नाम से कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों ने कई लोगों से संपर्क किया और उनसे ब्रांच के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले थे। इस संबंध में हजरतगंज पुलिस ने शिल्पा और उनकी मां सुनंदा को एक महीने पहले नोटिस भी भेजा था। वहीं विभूति खंड पुलिस की टीम भी नोटिस देने पहुंच रही है। वहीं इस मामले में डीसीपी पूर्वी के एक विशेष टीम अलग से जांच के लिए मुंबई पहुंच गई। जांच संलिप्तता स्पष्ट होने पर दोनों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। शिल्पा की कंपनी की ब्रांच खोलने के लिए सामान कंपनी द्वारा ही भेजा गया था, जिसके बदले उनसे रुपए वसूले गए थे। इसमें कई फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया। ब्रांच के ओपनिंग में सेलिब्रिटी के आने की बात कही गई थी, लेकिन उद्घाटन के कुछ वक्त पहले ही इस वायदे से मुकर गए। पीड़ित महिला का आरोप है कि कंपनी के इस बर्ताव के कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ। उनकी तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर हजरतगंज थाने में रोहित वीर सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई, जिसकी जांच के लिए पुलिस ने शिल्पा और उनकी मां सुनंदा को एक महीने पहले ही बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन दोनों ने अपना बयान दर्ज नहीं कराया। जल्द ही हजरतगंज पुलिस भी दोबारा दोनों सेलिब्रिटी का बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई जा सकती है।